बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैट आई शेड को, शिमरी आई शेड बनाने का सही तरीका। सबसे पहले मैट आई शेड को हाथ पर या आइस पर लगाएंगे, फिंगर की मदद से हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसके बाद लाइट सा पानी हमने फिंगर पर लेकर या आइस पर लेकर हमने इसको लगाना है इस मैट आई शेड पर। अब हमने इस शिमर को, ये डस्ट शिमर है, ये देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, इसको हमने हल्के हाथों से ब्लेंड करना है आई शेड के ऊपर। ये आई शेड आपका इतना खूबसूरत और नीट और शिमरी आई शेड बन जाएगा, जैसे वेलवेट आई शेड शिमर वाला होता है, जैसे काशी की किट में अक्सर आई शेड होते हैं शिमर वाले, डबल शेड वाले, तो ये इस तरह का लुक देगा। ये देखें आप गौर से देखें कितना ये मैट आई शेड शिमरी आई शेड में तब्दील हो गया है। ये देखें, ये पिंक शे आई शेड मैंने उठाया था और इसको मैंने अप्लाई किया है ये डस्ट आई शेड को इसके ऊपर। ये डस्ट शिमरी आई शेड है जो हम मैट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं बआसानी। इसको एक दफ़ा और हम अप्लाई करेंगे तो ये देखें कितना शाइन वाला और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखें, ये इसका सही तरीका है। महंगे आई शेड आप यूज़ नहीं कर सकते तो हम इसको इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। घर में मौजूद जो मैट आई शेड है वो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इस शिमर के साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।